ओम नमो नारायण, ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पेठा, जिसे हम भतुआ या वाइट पम्पकिन के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही गुणकारी है। और इसका एक मैं आज को प्रयोग बताने वाला हूँ, जिसे जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा और आप दांतों तले उंगली चबाएंगे, क्योंकि ये कहीं भी किसी ग्रंथों में अभी तक मुझे नहीं मिला है कि इस प्रयोग के बारे में कहीं लिखा गया हो। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप पहले मैं इसकी पहचान करा देता हूं। और साथ ही अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा तो आपको धन्यवाद, नहीं किया तो इसको करिएगा और आगे शेयर करने मत भूलिए कि अपने मित्रों को भी करते रहिए तो फ़ायदे होंगे। क्योंकि मैं देखिए गुरु शिष्य परंपरागत ज्ञान को लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस पर मेरा काम चल रहा है। क्योंकि किताबों में लिखा हुआ कहाँ तक सत्य है आप भी जानते हैं, उनका व्यवहारिक कितना प्रयोग है ये भी आपको पता है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, इसमें एक व्यवहारिक बताऊँगा जिसे हम थैलेसीमिया बोलते हैं। तो थैलेसीमिया का इलाज या थैलेसीमिया के मरीज के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं इसको पहचान करा दूँ, फिर मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा कि थैलेसीमिया में कैसे प्रयोग करना है। या आप देखेंगे सफ़ेद पेठा जिसे हम बोलते हैं, या वाइट गार्ड मेलन के नाम से भी जाना जाता है, और हमारे यहाँ भतुआ, कुमड़ा, पेठा आदि नामों से जाना जाता है। और इसकी मिठाई पूरे भारतवर्ष में बनती है और खाई जाती है, जिसे पेठा बोलते हैं, जो कि सफ़ेद रंग की होती है और चीनी की चाशनी में इसे बनाया जाता है, जो कि बहुत ही काम में आती है वो मिठाई, जिससे जो बलवर्धक है वो जितनी कमज़ोरी होती है वो भी प्रयोग कर सकते हैं, और साथ में स्वादिष्ट होती है और जाड़ों में खूब खाई जाती है। तो मैं बता रहा था आपको इसकी पहचान, तो ये है इसका फल जो कि परिपक्व है या कुछ समय बाद पक जाएगा जब इसकी लता सूख जाएगी, और ये अनन्यास ही उग जाता है। आप देखेंगे तो यहाँ भी ये घूरा है जहाँ पे कूड़ा करकट फेंका जाता है और पौधा उगा है और काफ़ी फैल जाता है। तो इसकी पत्तियाँ और मैं पौधे आपको दिखाऊँ, ये देखेंगे कि इसके पत्तों पर भी रोए हल्के से होते हैं, चिकना नहीं होता है, और फूल और डंडी पर भी रोए होंगे। ये नर फूल है और मादा फूल में फल आता है, जैसे कि आप ये देखेंगे यहाँ पे मादा फल है, मादा फूल है, मतलब ये फल लगा हुआ है। प्राकरण के बाद ये फल बनता है, फल बनने के बाद ये इस कंडीशन में बनता है, हरा होता है, और इसकी हम सब्जी बाज़ार में बिकती है और खाते हैं। ये देखिए बंदर ने खाया और उसने उतना ही खाया जितना उसकी भूख थी, बाकी छोड़ दिया आगे खाने के लिए। हम मनुष्य की तरह नहीं कि ज़्यादा स्टोर कर लें और सड़ा गला दें, तो एक दो दिन आएगा, खाएगा और चला जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा है, इस कलर या इस रंग में होता है, तब तक हम इसकी कच्ची सब्जी खा सकते हैं, लौकी की तरह, कद्दू की तरह बना करके। और इसको छीलने के बाद धोए ना, थोड़ा खट्टापन लगता है, और जितना सफ़ेद होगा उतना ज़्यादा खट्टापन लगेगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी आप इसका रस निकालें या सब्जी बनाएं तो रस बालों में ही लगना चाहिए, नहीं तो बाल सफ़ेद होते हैं ये कहा जाता है। तो ये हमारा कुष्मांड है जिसके नाम से कुष्मांडा देवी की पूजा भी की जाती है नवरात्र में, आपको पता है। और जितनी लता वर्गीय सब्जी है या फल है उसमें इसका नंबर वन स्थान है गुड़ों के हिसाब से। लेकिन ये आजकल गुणवान होते हुए भी लोगों की थाली से बाहर हो गया है और लोग इसे मात्र पूजा पाठ में यूज करते हैं, और हमारे इधर तो दशहरे में बगैर इसके फल की पूजा भी नहीं होती है। तो दशहरे में इसका फल से पूजा किया जाता है, तो आप देख सकते हैं कितना गुणकारी है, तभी लोग इसको पूजते होंगे। ऐसे वो धर्म के साथ जोड़ा वो अलग बात है, लेकिन गुणों की पूजा की गई है, हमारे पेड़ पौधों की पूजा की गई है सिर्फ उनके गुणों की वजह से। तो थैलेसीमिया में कैसे प्रयोग करना है कि जब तक इसको आप हरा मिलता है तो आप हरा ले सकते हैं, और इसका एक कप जूस निकाल कर सुबह शाम पियेंगे तो फ़ायदा है। और अगर पका हुआ कुष्मांडा है तो उसको आप रख सकते हैं कुष्मांड को, और पूरे साल 20-20 ml उसका रस पी सकते हैं सुबह शाम, और उसके आधे घंटे कुछ भी मत खाइए तो आप देखेंगे, ऐसा गुरुजी ने बताया है कि थैलेसीमिया के मरीजों को बहुत फ़ायदा होता है, और साथ में इससे खून बन सकता है शरीर में, खून बनने की प्रक्रिया दोबारा हो सकती है, या जिनके खून कम बनता है उनको भी फ़ायदा होगा, या जिनको रक्त अल्पता है उनके लिए भी फ़ायदा है, जिनको एनीमिया है उनको भी फ़ायदा होगा, और जिसके रक्त में रक्त अशुद्ध है उसको भी शोधित करता है, तो शोधन करने में फ़ायदा होगा। तो हर तरीके से देखें तो फ़ायदा है। आप इसके पत्ते का साग बना के खा सकते हैं, कच्चे फल की सब्जी बना सकते हैं, पके फल की रस
निकाल करके पी सकते हैं। और साथ में इसकी बड़ी बनाई जाती है, जैसी है इसकी बड़ी बनाने के लिए इस पके हुए फल को काटा जाता है, छील करके कद्दूकस करके उसमें मूंग या उड़द के दाल को पीस करके मिला करके नमक मिर्च डाल के धूप में सुखा देते हैं बढ़िया बना करके, और उसे संरक्षण करके डिब्बों में रख लेते हैं और पूरे साल दो साल तक उसकी सब्जी बना के खा सकते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने कितना अच्छा ज्ञान दिया था और इसे संरक्षण करने का कितना अच्छा तरीका था, और वो पूरे साल इसका सेवन करते थे, लेकिन हम लोग सीजन में भी नहीं खा रहे हैं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो जो खा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो नहीं खा रहे हैं इसको चालू करिएगा और अपने ब्लड संबंधी सारी समस्याओं को दूर करिए। अगली वीडियो में फिर आपको बताऊँगा इसके और अन्य लाभ, तब तक के लिए इंतज़ार करिए। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।